नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी सक्सेना। एचपी न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। एचपी न्यूज लाता है आप सभी के लिए हर छोटी से बड़ी खबरें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को हर खबर की अपडेट आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। नाबालिग बच्चों से कराया जा रहा काम, प्रधान बढ़िया कला को नहीं किसी का डर। कलम खिताब की जगह ग्राम प्रधान ने पकड़ाया फावड़ा। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के बलहा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बढ़िया कला में सिर्फ नाम का मिट्टी पटान कराया जा रहा। आपको बता दें कि गांव बढ़िया कला प्रगति के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। अगर सरकारी कोई भी कार्य कराए भी जाते हैं, उनमें धांधली करने के अलावा कुछ नहीं होता। मनरेगा द्वारा पट रही सड़क ही अपने आप को हालात बयां करने पर मजबूर है। इसी प्रकार से ग्राम सभा में अनेकों कार्य कराए गए, सरकारी पैसा का दुरुपयोग कर आपस में बंदर बांट किया जाता है। गांव वालों की माने तो प्रधान का कार्य निंदनीय है। ज्यादातर ग्राम सभा में जो भी कार्य कराए जाते हैं, उसमें नाबालिग बच्चों द्वारा कराया जाता है, जबकि बच्चों के पढ़ने लिखने की उम्र को ध्यान में नहीं रखा जाता। गरीब बेचारे करे तो क्या करे, कुछ लोगों के पास तो मजबूरी होती है, जबकि सरकार द्वारा हमेशा गरीब असहाय व्यक्तियों के ऊपर हर संभव मदद का साया रहते हुए भी गरीब परिवारों के घर तक सरकारी धन नहीं पहुंच पाता, जिससे गरीब असहाय व्यक्तियों को मजबूरी बस अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना होगा, जिससे कि गरीब असहाय व्यक्तियों को सरकार द्वारा दिया गया गरीबों का हक उनके घर तक पहुंच सके। बहराइच से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। 40,000 रुपए मैं ले नहीं, अब बनी पड़ी है, कहाँ मैं चले गए। 40,000 आपसे किसने लिया है? गुड्डू त्रिवेदी। कौन है ये? शिक्षा मित्र। हाँ हाँ। जब कोई ये कोई गोली वोली मारने की बात कर रहा था जी, जब जैसे तो कुसमा है, हाँ हाँ, अब उसने सांच कह दिया। हाँ हाँ। घर तो आप देख ही लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल देखा। जब साहब उसने सांच कहा, हाँ, तो उसमें धमकी की बात आ गई कि गोली मार देंगे। किसने कहा था गोली मार देंगे? जो चिंचा लोग लगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? अरुण त्रिवेदी और यह अनिल जगदम्बा प्रसाद, यही लोग। ठीक ठीक ठीक। आप कौन है? आप कौन है? हम समाज छोटालाल, हमारे बड़ी बिटिया है। तो आप जो असलियत बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? सबके बाप बाप ने तो का कह के हमको नहीं कर बतवा के रहते हैं। बोले दो उनका, बोले दो। क्या नाम है आपका? रामलीन मित्र। कहाँ से आए हैं? मैं त्रिपुरा से। आज आप लोग डीएम कार्यालय आए हैं, क्या समस्या है? समस्या हमारे यहाँ की है कि जो हमारे यहाँ और सत्यापन चल रहा था, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी विजय कुमार पांडे के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें उनके द्वारा बहुत बड़ी धनुगाही ग्राम सभा के अंदर की गई, जिसकी सूचना हम संदर्भ संघ IGRS के माध्यम से मैं वीडियो साहब को भी दिया। एक लिखित में एप्लीकेशन भी वीडियो साहब को दे चुका हूँ, जिसको लेकर वीडियो साहब ने और उल्टा धमकी दी कि तुम्हारे पास FIR करा दे, और उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हम लोग को नहीं दी गई। जब हम लोग कई बार दौड़ते रहे ब्लॉक, हमको लोगों को सूची नहीं उपलब्ध हो पाई, जिसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज कार्यालय पर हम शिकायत किए थे खंड विकास अधिकारी विडियो साहब को। अच्छा, ठीक है। उससे कोई बिना कोई जांच किए हुए उन्होंने आख्या अपनी प्रेषित कर दी, जिसको लेकर अब जब फाइनल सूची बन के आई है, तो उसको लेकर जनता जो हमारी है वो आक्रोश में थोड़ा बहुत ज़्यादा कि आखिर में हमसे क्या है, जो हम पात्र व्यक्ति नहीं पा रहे हैं, और पात्रों को सूचित सम्मिलित कर दिया गया पात्रों को, ठीक है। तो उसको लेकर बहुत सारे अपीलें तो जाके आप कुछ लोगों ने वो सीडियो साहब को ज्ञापन दिया, कुछ लोगों ने जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया, कुछ लोगों ने BDO साहब को दिया। उसके बावजूद स्थितियां ऐसी आ रही हैं कि जब मंत्री जी के सामने, सेक्रेटरी के सामने बोला जाता है, कोई भी गरीब अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है, तो मंत्री जी डायरेक्टली गोली मारने की धमकी दे देते हैं, यहाँ तक कि BDO जी के सामने, चूंकि वो तो मेरे कैमरे में कैद है। और बाकी की ये समस्याएं हैं कि वो तो जो नौकरी होती है, जो गवर्नमेंट नौकरी होती है, ये किसी भी कसम पे नहीं टिकी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे तो लोग ऐसे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं कि कोई भी चीजें, मान के चलिए आपने उगाही किया है, तो आप गवर्नमेंट नौकरी इस बिना पे नहीं ना करेंगे कि हम कसम खा लेंगे? आप कसम पे कोई नौकरी चलती है क्या? ऐसा क्यों होता है, लोग कसम खाने पे क्यों ऐसे वादा करते हैं? कसम इसलिए खाते हैं क्योंकि गांव देहात की जनता है, ये पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा, जो हर चीज को समझेगी। बट यहाँ के जो अधिकारी है, जैसे कर्मचारी ग्राम पंचायत सचिव है, उसने भी एक लेडीज को हाथ पकड़ के कहा चलो तुम कसम खा लो, ये उसको नहीं करे क्योंकि उच्च अधिकारियों के सामने, क्योंकि उच्च अधिकारियों तरफ से छूट दी जाती है, तभी वो ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना। नहीं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर किसी की औरत का हाथ पकड़ के ये बोले कि चल के कसम खाइए, तो उसको उच्च अधिकारी द्वारा छूट मिलती है, तभी तो ऐसा कर सकता है। अगर उसको उसके ऊपर प्रेशर बनाया तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। उसको वीडियो साहब के सामने संज्ञान में उन्हें ऐसा कह सकते हैं, तो आगे पीछे तो उसको मार भी सकते हैं ना।
बिल्कुल लोगों का कहना है कि यहाँ मुझे धमकियाँ दी जाती हैं। सही है। अच्छा, इस पे आपने किसी भी वीडियो साहब के अलावा किसी अदर उच्च अधिकारी को आपने सूचित किया कि यहाँ पे ऐसे से दबंगई और धांधली की जाती है? मैं सीडीओ साहब को भी कर चुका हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। जो कि ज्ञापन के थ्रू और सामने हैंडओवर पीडी साहब को मैं कल मिलके आया हूँ, उनको एक ज्ञापन भी दिया हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जांच करवाते हैं, अगर गलत पाया जाता है, उसमें भी हमको धमकी दी गई कि अगर इसमें गलत होता है तो हम तुम्हारे ऊपर FIR करवाएंगे। तो हमने कहा सर ठीक है, अगर सूची में अगर गलत हुआ है मेरे साथ तो अगर हम अगर गलती किए हैं तो हमारे ऊपर FIR करवा दिए, लेकिन अगर पात्र लाभार्थियों को सूची में नाम अंकित किया नहीं किया गया है, उसको काटा गया है, तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। अच्छा, जो आप यहाँ के मैकोपुरा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या नाम है आपका? हर्ष मिश्रा। अच्छा, जो आप इतना सारी चीजें जब कोई किसी गलत किसी के साथ में हो रहा है, अगर उसको आप सही न्याय दिलाना चाहते हैं तो आपको भी धमकी मिल जाती है? बिल्कुल बिल्कुल मिलती है, मुझे धमकी दी गई कल पीडी साहब के द्वारा दी गई कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हम FIR करवा देंगे। पीडी साहब बोलते हैं? अच्छा, बीडीओ साहब भी धमकी देते हैं? बीडीओ साहब मुझे उस दिन कहा था कि अगर इसमें अगर गलत कोई चीज होता है तो हम आपके ऊपर FIR करवाएंगे, तुम ज्यादा नेता गुंडागर्दी करते हो, तो अगर ये बताइए अगर मैं सच्चाई के खिलाफ जाता हूँ तो हमारे ऊपर FIR करने की धमकी दी जाती है। अच्छा अच्छा,